मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, जो भाजपा में चले जाते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की हत्या कर लोकतंत्र पर काबिज होना चाहती है। उन्होंने कहा, अगर लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हो तो भाजपा को हराओ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ईडी ने अभी तक 121 राजनेताओं पर कार्रवाई की है, उनमें से विपक्ष के लगभग 95% नेता है, जिनमें से 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो बीजेपी में गया उसके ऊपर कार्रवाई का आज तक अता पता नहीं चला। व्यापम घोटाले में कई लोगों की मौत हुई, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी 25-25 करोड़ में चुनाव लड़ रही है, ये काला धन नहीं है तो और क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको पहले बीजेपी के नेता गालियां देते थे, आज वही भाजपा में शामिल होने से ठीक हो गए हैं। एमपी में डराने धमकाने और आतंक का सहारा लेकर भाजपा राजनीति कर रही है। जीतू पटवारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके घर वालों से भी अपील की और कहा कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो तो भाजपा को हराओ। यहाँ उपस्थित साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। 21 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों को गिरफ्तार किया, उससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया, सरकार ने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया। साथियों, ऐसी लगभग ईडी की 121 राजनेताओं पर अलग अलग प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, नोटिस दिए, उसमें 115 विपक्ष के थे, मतलब 95% विपक्ष के नेता थे। ये मैसेज ये है कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी को विरोध ही पसंद नहीं आते हैं, उनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, जब ऐसे ही 121 लोगों की, जिसकी 154 लोगों की हम जब लिस्ट निकाले कि इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की, मैंने कहा 95% विपक्ष के नेता हैं, इसमें से लगभग 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए, अलग अलग स्केल पे, कोई छोटे स्केल पे, कोई बड़े स्केल पे। बेल्लारी बंधु बीजेपी में गए, सीबीआई और ईडी की जांचें हुई थी, आज तक क्या हुआ पता नहीं। जैसे मुकुल राय, जैसे सुवेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी दो आंखों से देखते हैं। ये एहसास क्या कराता देशवासियों को एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, सिर्फ विपक्ष भ्रष्टाचार नहीं करे और हम पेट भर के करें। ये कैसे हुआ? देश में जब 2014 के पहले के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी जी कहते थे काला धन है, स्विस बैंक में है, और वो स्विस बैंक का काला धन में कांग्रेस के नेताओं का है, गांधी परिवार का है। ये जैसे ही 6 महीने में मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ये सब जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे और 15-15 लाख रुपए पर व्यक्ति को मिलेंगे, नारा था उनका। हमने सब ने देखा, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, क्या हुआ पता नहीं चला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।